नमस्कार डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, आज का जो सवाल है आपसे वो बहुत लोगों ने पहले इस वर्ड को सुना हुआ है। जैसे बचपन से हम सुनते आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं, लाइफ में कुछ करके दिखाओ या खुद की कुछ आइडेंटिटी बनाओ। तो ये डॉक्टर माधव, आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता क्या है और इसका लाइफ में क्या महत्व है? प्लीज आप हमें इसके बारे में गाइडेंस करें। और डॉक्टर माधव, यस सर, सुशील सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ये साइकोलॉजी पढ़ने वाले या साइकोलॉजी सिखाने वाले या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों को मालूम ऐसी संज्ञा है। लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जो जन सामान्य लोग हैं, उन्हें शायद, या जो साइंस स्ट्रीम के लोग हैं, शायद उन्हें आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम ना होने की संभावना है। इसलिए ये अच्छा टॉपिक है कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ी बात करें, है ना। जैसा आप कह रहे थे कि घर के, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करो, या जब हम 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तब भी कोई हमें ये कह सकता है कि आप क्या क्या करते हो। जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप आपकी पहचान बता रहे हो, है ना। तो आपकी पहचान क्या है, आप कैसे पहचानोगे खुद को, और आप कैसे पहचान, आप कैसे, क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे पहचाने, इसको कहते हैं पहचान बनाना। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन का मतलब होता है पहचान बनाना। तो जैसे कि अभी आपने आपकी एक पहचान बनाई कि आपने मैथमेटिक्स का पोलराइजेशन किया, आपने इकोनॉमिक्स का पोलराइजेशन किया, आप कॉलेज में पढ़ाते हो। मैंने मेडिकल साइंस पढ़ लिया, MBBS किया, MD किया, DPM किया, BFM किया, तो मैंने एक मेरी पहचान बनाई है। पहली पहचान जो बन गई है, जैसे कि आपने BSc मैथमेटिक्स किया, उस पर से आपकी पहचान बनी एबिलिटी के अनुसार BSc मैथमेटिक्स। लेकिन BSc मैथमेटिक्स के जो बाकी लोग जिन्होंने आपके साथ में किया था, उनके लिए तो आपकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि वो सारे 100 लोग या 1000 लोग अगर BSc मैथमेटिक्स किए हैं और आपने भी BSc मैथमेटिक्स किया है, तो पहचान तो एक कोई खास बनी नहीं। तो ऐसी अवस्था में आपको और खास पहचान बनाने के लिए आपने MSc मैथमेटिक्स किया, ताकि आप BSc मैथमेटिक्स के लोगों को ये बता सको कि नहीं, मैंने MSc किया है, आई एम मास्टर इन मैथमेटिक्स। तो ये आपकी पहचान हो गई, है ना। अब जो मास्टर इन मैथमेटिक्स है, वो शायद उनके लिए आपकी ये पहचान कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है, ये सामान्य पहचान है। फिर वो सोचेंगे कि नहीं, हम PhD करते, तो PhD इन मैथमेटिक्स, तो मतलब आपने PhD कर दिया, या कोई किसी ने PhD किया। तो इस तरह से वो अपनी पहचान को बनाते जाते हैं। तो इसी, ये पहचान जो आप बना रहे हो या बाकी लोग शिक्षा के अनुसार जो बना रहे हैं, वो पहचान तो है शिक्षा के अनुसार, आपकी एबिलिटी के अनुसार बनी हुई पहचान। लेकिन आपके यहाँ या मेरे यहाँ जो मेड सर्वेंट है, जो काम करने के लिए लोग आते हैं, उनकी क्या पहचान है? उन्होंने तो पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं किया, है ना। तो ऐसे ऐसे तो बहुत लोग हैं जो पढ़ लिख करके बहुत आगे नहीं गए, जिन्होंने बेसिक BA किया या BCA किया या BBA किया, उन लोगों की क्या पहचान बनेगी? या कुछ लोग 10वीं के आगे पढ़े भी नहीं, चौथी पांचवी ही पढ़े, उन लोगों की क्या पहचान बनी? वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो पहचान बनाने की जरूरत है। तो आप मुझको बताइए सर, ऐसे लोगों को पहचान बनाने की क्या जरूरत है? सर, मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है, लेकिन सर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आई थिंक सो कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आपके, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आपके यहाँ जो बाई काम करती है या जो बाई आपके यहाँ खाना पकाती है, अब जैसे कि अभी आपके यहाँ एक बाई खाना पका रही है, साल 2 साल पहले दूसरी बाई होगी किसी कारणवश, उसको नहीं जमा होगा, उसको आपने बदल दिया, आपने इसको लगा दिया, हो सकता है 2-4 साल बाद में और एक बाई खाना बनाने के लिए आएंगी। अब ये 3-4 बाई का खाना बनाने का, या 3-4 आचारी लोग जो आप खाना बनाने के लिए बुलाएंगे, उनमें अगर आप देखेंगे तो उनको भी तो पहचान बनानी पड़ेगी। तो वो जाने अनजाने में अपनी पहचान बनाते हैं, जो कि आप सोचते हो मन ही मन में, या आपके घर के लोग, या आप अगर हॉस्टल में रहते हो या रूम लेकर रहते हो, तो आपके रूम के जो रूममेट्स है वो सोचते, अरे नहीं, वो जो भाई हम उसको बुलाएंगे खाना पकाने के लिए, जो बर्तन भी मांज लेती है और काम बहुत अच्छा करती है, और खाना बनाने के बाद में जो किचन का ओटा है वो क्लीन करके जाती है, उसके काम में कोई कोताही नहीं करती, वो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ और निकल जाओ, ऐसा नहीं करती, वो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। ये वो बाई की पहचान हो गई। और कोई बाई होगी जो आप कहेंगे कि नहीं, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वो गुस्सा बहुत करती है, उसको कोई बात बताओ तो उसको गुस्सा बहुत आ जाता है। तो वो बाई का वो पहचान हो गई कि वो गुस्सेल है, खाना लेकिन अच्छा बनाती है।
या और कोई भाई हो सकती है, वो बोलेंगे, आप बोलेंगे कि वो भाई खाना बहुत अच्छा बनाती है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लेती है, तो वो एक्सपेंसिव है उसका लेबर, ये उसकी पहचान हो गई। तो इस प्रकार से मेरा कहना ये है कि हम सारे लोग अपनी अपनी पहचान सिर्फ अपने एबिलिटी के कारण नहीं, लेकिन अपने स्वभाव के कारण, लाइफ वैल्यूज के कारण भी अपनी पहचान बना सकते हैं या बनाते ही है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि कोई मेड सर्वेंट आपके यहाँ जो आते हैं वो काम तो अच्छे करते हैं, लेकिन जरा उनके ऊपर निगरानी करनी पड़ती, क्यों? क्योंकि वो चोरी कर सकते हैं। कभी कभी कभार आपके घर की कोई चीजें चोरी हो गई है और आपको शक है, या आपने कभी देखा है कि उन्होंने किया है, तो देखिए पहचान बन गई वो व्यक्ति की कि वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है, चोर भी कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार रहते हैं तो ईमानदारी उनका पहचान हो गई। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हो आपके लाइफ वैल्यूज के सहारे भी। तो लाइफ वैल्यूज के सहारे भी आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सीए हो, आप टीचर हो, इसके अलावा आपकी एक पहचान और आप उसमें ऐड कर सकते हो। एक फीडर है पहचान का जो आप ऐड कर सकते हो, और वो ये है कि नहीं, आप मानवीय तरीके से व्यवहार करते हो, आप बहुत ह्यूमन हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। क्रिकेटर्स तो बहुत है लेकिन डाउन टू अर्थ, ये अगर मैंने वाक्य बोला तो खट से राहुल द्रविड़ का नाम सामने आ जाता है, बाद में सचिन तेंदुलकर का भी आता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन राहुल द्रविड़ का नाम सबसे पहले आ जाता है। क्यों? क्रिकेटर तो वो भी है ना, क्रिकेट के उच्चांक तो उसने भी किए हैं, लेकिन और एक पहचान उसने एड ऑन किया। ये एड ऑन पहचान कैसी है? उसके स्वभाव के कारण बनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को और सुशील सर आपको कि पहचान बनाने के लिए आप अपने लाइफ वैल्यूज को इस्तेमाल करिए। क्या कहते हो आप? लाइफ वैल्यूज को इस्तेमाल करना कितना आसान है? बिल्कुल सही बात है सर। मुझे तो ये लगता है कि आपका करियर से भी इम्पोर्टेंट शायद ये बात है कि आप लाइफ वैल्यूज के आधार पे आपकी आइडेंटिटी फॉर्म करते हो या नहीं करते हो, ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब इस सिलसिले में आप, मैं ऐसा कहूंगा कि आपके करियर में एक वैल्यू एडिशन अगर आपको करनी है तो लाइफ वैल्यूज को वैल्यू एडिशन करके अपनी पहचान बनाइए, है ना। अब जैसे कि एक एक क्रिकेटर था, अभी अभी उनकी मृत्यु हो गई, वो बहुत अच्छा स्पिन बॉलिंग करते थे, है ना, इंडिया के बाहर के क्रिकेटर है, वो बहुत फेमस स्पिनर क्रिकेटर है वो, लेकिन उनके क्रिकेटिंग करियर या क्रिकेटिंग एबिलिटी या स्पिनिंग के एबिलिटी के साथ साथ में उनकी एक पहचान और ऐसी भी बनी थी कि वो थोड़े से वुमनाइजर है, काफी सारे अफेयर्स बाहर आए थे, तो ये भी एक उनकी पहचान बन गई थी। तो ये तो कोई बहुत अच्छी पहचान नहीं थी हमारे नजरों में, शायद और किसी के नजरों में अच्छी होगी, लेकिन हमारी जो वैल्यूज है उन वैल्यूज के अगेंस्ट में ये अच्छी पहचान नहीं है। तो ये भी तो पहचान है, मतलब आपका जो व्यवहार है, आपका जो काम, आपका जो विचार है, आपका रहन सहन जो है, उससे भी आप अपनी पहचान बना सकते हो। जैसे कि अगर हो सकता है आपके पास साफ सुथरे कपड़े है, प्रेस किए हुए नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े आप पहचानते पहनते हो, ये भी आपकी पहचान है ना, है ना। आप हमेशा कहते हैं ना क्लीन और नीट रहते हो, ये भी आपकी पहचान है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जहां से आप अपनी पहचान बना सकते हो, और ऐसी पहचान बनाने से होता क्या है ये जरा हम सोचेंगे। ये पहचान बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या फायदा होता है, आप कहेंगे कुछ? सर आप बता दो अभी आप जो बोलने वाले हो। देखिए ना, हाँ मैं आपको लीड करता हूँ, आप सोचिएगा। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे कोई मेड, फिर से मेड का एक एग्जांपल लेते, तो कोई मेड सर्वेंट आपके यहाँ आती है और उसकी ये पहचान है कि वो बहुत ईमानदार है और वो काम बहुत साफ सुथरा करती है, तो कभी न कभी उसके जिंदगी में कोई ना कोई जो उसको एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं या वो जिनके यहाँ जाकर के काम करती है, वो लोग तो कहेंगे ही कि ये बहुत ईमानदार है, इसका काम बहुत साफ सुथरा है, तो उसको ये फीडबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। जब उसको ये फीडबैक मिलेगा तो उसको क्या फीलिंग आएगी माइंड में उसके, अच्छी फीलिंग आएगी सर, मतलब वो फीलिंग पॉजिटिव होंगी कि निगेटिव होंगी? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी सर। पॉजिटिव फीलिंग उसके मन को, उसके मानस को शक्ति देगी कि शक्ति नहीं देगी, शक्ति देगी बिल्कुल। मतलब उसको मोटिवेशन मिलेगा, यस
है ना, तो वो हो सकता है उसके घर में कोई बात खराब हो गई हो सकता है उसने कोई बिजली का बिल पेमेंट नहीं किया होगा किसी महीने में इसके कारण, और लाइफ के ऊंच नीच तो उसके भी जीवन में आने वाले हैं, तो ये सारे ऊंच नीच के कारण जब वो आपके घर में काम करने के लिए आ रही है, तो ये अगर उसका मोटिवेशन मिलने वाला पहचान अगर उसके साथ में है, तो वो जो लाइफ के अप्स एंड डाउन है उनको वो कुछ हद तक के परास्त कर सकती है, कुछ हद तक के उनसे वो अपने आप को बचा सकती है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन कैसा रखे, तो ये पहचान बनाने से ही आप अपना मोटिवेशन रख सकते हो। ओके ओके, क्योंकि यस आप अपनी पहचान बना रहे हो, लोग आपको इस तरह से पहचान रहे हैं, ठीक है ना। यस इसके अलावा भी कुछ और कारण होता है पहचान बनाने का, जैसे कि सुशील सर मैंने आपको बताया था एरिक एरिक्सन के बारे में, यस सर हाँ लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट है थे, उनके बारे में आपको क्या याद आ रहा है, आइडेंटिटी सर वो फॉर्मेशन के बारे में। एरिक एरिक्सन के शायद 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ नाम का उन्होंने कुछ काम किया है उसके जी ऊपर, जी और जी उस जी 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ में आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो इंटीमेसी के पहले आता है वो स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो ये थोड़ा सा सर मुझे जो आपने बताया था वो याद है। और थोड़ा याद कर करते हैं, वो जो इंटीमेसी फॉर्मेशन है उसकी उम्र उन्होंने एट स्टेजेस ऑफ लाइफ उम्र के हिसाब से बांटे हैं, है ना। तो यस इंटीमेसी की उम्र और आइडेंटिटी फॉर्मेशन की उम्र क्या उम्र है उसमें, सर आई जैसे कि थिंक मैं आपको क्ल्यू देता हूँ, जैसे कि देखिएगा व्यक्ति कॉलेज में जाता है किस उम्र में जाता है, 18+। 18+, तो देखिएगा इंटीमेसी भी 18+ चालू हो जाती है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 20+ इंटीमेसी चालू हो जाती, 20 to 30 में इंटीमेसी आएगी, और 12 to 18 या 12 to 20 में या 15 to 20 में आइडेंटिटी फॉर्मेशन आएगा अकॉर्डिंग टू 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ बाय एरिक एरिक्सन। तो अब जरा इसके ऊपर मैं गौर करना चाह रहा हूँ आपके साथ में, शेयर करना चाहता हूँ। देखिएगा इंटीमेसी के पहले आइडेंटिटी हो जाती या हो जाना चाहिए, लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट कह रहे, हमारी आज की सोसाइटी में क्या हो रहा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उस स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, 10 साल का स्कूल का बच्चा है, 8 साल का स्कूल का बच्चा है, उन्हें कोई ना कोई पार्टनर लगता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, और वो पेयर में रहते हैं, पेयर में घूमते हैं, पेयर में बैठते हैं, स्कूल में भी क्लास में भी बहुत बार पेयर में बैठते हैं, खाना खाते हैं पेयर में खाते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, ये पेयरिंग काहे में आएगा, इंटीमेसी में आएगा कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन में आएगा, इंटीमेसी में आएगा इंटीमेसी में आएगा, मतलब जो 20 साल के बाद में स्टेज चालू होनी है वो उन्होंने 10वें साल में 15वें साल में ही चालू कर दी। अब अगर समझो किसी 10 साल के या 15 साल के लड़के ने इंटीमेसी के स्टेज में अगर उसने कदम रखा, तो उसकी इंटीमेसी किसी लड़के के साथ में या किसी लड़की का लड़के के साथ में इंटीमेसी हो जाएगी, तो उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर का ध्यान कम हो जाएगा, तो फिर ऐसे अवस्था में बहुत बार वो इंटीमेसी फॉर्मेशन की जो स्टेज है, इंटीमेसी की जो स्टेज है वही उन्हें आइडेंटिटी भी देती है। जैसे कि कोई कहता है, कह रहे आशा का दोस्त रमेश, तो रमेश की आइडेंटिटी क्या हो गई, आशा का दोस्त, है ना। हाँ जैसे कि उदाहरण के तौर पे कालू की गर्लफ्रेंड कनका, तो क्या आइडेंटिटी होगी कनका की, कालू की गर्लफ्रेंड, तो मतलब आपने आइडेंटिटी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब से अपनी तैयार कर दी। अब ये अगर आइडेंटिटी आपने तैयार की है, तो क्या ये आइडेंटिटी आपको लाइफ टाइम के लिए मोटिवेशन देगी क्या, नहीं सर अगर समझिएगा ये कल को चल करके, उदाहरण दे रहा हूं मैं समझने के लिए, कल को चल करके अगर ये कोई नंदा नाम की लड़की है 15 साल की, तो कोई बॉयफ्रेंड है और उसकी आइडेंटिटी है कि वो गणेश की गर्लफ्रेंड है, और वो नंदा नाम की लड़की जब 30 साल की हो जाती है और इत्तफाक से वो कुछ काम करने के लिए अगर कहीं जाएगी, तो क्या ये आइडेंटिटी कि वो इसकी इसकी गर्लफ्रेंड है या इसकी इसकी वाइफ है, ये आइडेंटिटी उसका मोटिवेशन देगी क्या उसको, नहीं सर पॉसिबल नहीं। अगर काम में जा रही है वो या जीवन के ऊंच नीचे अगर वो सब एक्सपीरियंस कर रही है, तो निगेटिविटी जो जीवन में आती है वो निगेटिविटी को वो अपने इंटीमेसी के बेस पे तैयार हुई आइडेंटिटी से फेस नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट भी मैं आप सब लोगों के सामने लाना चाहता हूँ दोस्तों, आपको भी ये पॉइंट शायद काम का लगेगा सुशील सर,
कि इंटीमेसी के बेसिस पे अगर आप अपनी आइडेंटिटी तैयार करते हो तो वो आइडेंटिटी आपको लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार नहीं करती। ओके और इसीलिए आजकल आप देखते होंगे पढ़ने वाले पढ़े लिखे लड़के लड़कियां पहले पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं और बाद में शादी करते हैं, राइट है ना। बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, लड़की की शादी लड़के के साथ में अगर हो जाए तो जिसके साथ शादी हो गई, जिस घर में वो बहू बोल के जाएगी, वो उसकी आइडेंटिटी होती थी। राइट सर। लेकिन ये आइडेंटिटी उसे डिफिकल्ट टाइम को, अगर उसी घर में जहां वो ब्याही है उसी घर में अगर उसको डिफिकल्ट टाइम आएगा तो उस डिफिकल्ट टाइम को फेस करने के लिए कोई सहारा नहीं देती थी, क्योंकि उसकी कुछ खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी जो उसके एबिलिटी के ऊपर में निर्भर है, जो उसके स्वभाव के ऊपर निर्भर है, जो उसके लाइफ वैल्यूज के ऊपर निर्भर है, ऐसी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। तो इसीलिए मेरा ये कहना है और मैं ये मानता हूं कि सब लोगों ने, हर किसी ने, अगर आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आप बुद्धिमान हो या नहीं हो, आप फर्स्ट क्लास में आते हो या बॉर्डर पे पास होते हो, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करना बहुत जरूरी है। यस। और आइडेंटिटी आप फॉर्म ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं ना खुश रहते हो, हंसते रहते हो, ये आपकी आइडेंटिटी है, यस, है ना। आप हमेशा सच बोलते हो, ये आपकी आइडेंटिटी हो सकती है ना। आप बहुत दयालु हो, आप बहुत ह्यूमन टच वाले व्यक्ति हो, ये आपकी आइडेंटिटी हो सकती है। तो अच्छे गुणों से अपनी आइडेंटिटी बनाना की उम्र भी 12 साल से 20 साल तक के ही है, तो अच्छे गुण का अर्जित करना ये भी 12 साल से या 15 साल से 20 साल तक के ही हो जाना चाहिए। अच्छा, अब एक बात मैं इस दिशा में बता दूं जो शायद सब लोगों के काम में आएगी। एरिक एरिक्सन, ये जो लेजेंडरी साइकेट्रिस्ट है, जिन्होंने ये साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ये 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ लिखा, वो ये कहते हैं कि अगर आपने आपकी आइडेंटिटी उम्र के उस उम्र के ढलाव में अगर नहीं पूर्ण की, 20 साल तक की अगर आपने आइडेंटिटी फॉर्म नहीं की और आपकी उम्र 40 हो गई, कोई हरकत नहीं, आप फिर अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म कर सकते हो। मतलब आप उम्र के साथ में जुड़े नहीं हो, लेकिन अगर समय के साथ में आप अगर समय वाली चीजें कर देंगे तो आपकी नैया, आपका जीवन नैया आगे जाएगी और आप सुकून पाओगे, yes. है ना। और आपका लाइफ जो है वो बहुत सक्षम रहेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, है ना, yes. है ना। पॉलिटिशियन का देखिए, किसी पॉलिटिशियन का, उनका बहुत कॉन्फिडेंट बिहेवियर रहता, लेकिन पॉलिटिशियन की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, उनकी सेवा वृत्ति से आइडेंटिटी उनकी फॉर्म होती है, वो औरों के लिए क्या कर रहे हैं इस पर से उनकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। लेकिन सारे पॉलिटिशियन आप देखिए, उसमें से एक पॉलिटिशियन जो इंडिया में आज बहुत चर्चा में है और लोग बहुत लोग उनको मानते हैं, वो पॉलिटिशियन सिर्फ उनके पॉलिटिकल करियर के कारण जाना माना नहीं जाता, वो पॉलिटिशियन उनकी नॉलेज के कारण, उनकी नॉलेज को ग्रास्प करने की चाहत के कारण भी लोगों को बहुत मान्यता पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं और वो बहुत जी जान से समाज के लिए, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब वो पेट्रियटिज्म जो है उनका, वो उनकी आइडेंटिटी बन गई है, right. है ना। तो समाज कार्य करने वाले लोगों में पेट्रियटिज्म रहना, ये भी एक उनकी आइडेंटिटी बनती है। तो इस प्रकार से हम अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करना बहुत आवश्यक है। अब थोड़ी और एक बात करूंगा सर, ये मैं आपको स्क्रीन पे कुछ मेरे पावर पॉइंट दिखाना चाहता हूं, जरा आप देखिएगा, इसके सहारे कुछ मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, ये दिख रही है स्लाइड बराबर? यस सर। तो देखिएगा, जेम्स मर्सिया नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो एरिक एरिक्सन के बाद में हुए थे। ये एरिक एरिक्सन की स्लाइड जो मैं आप लोगों के साथ में आपको बता रहा था वो ये स्लाइड है। देखिएगा, उम्र के 0 to 2 साल तक के, 1 साल तक के, उन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में बोला है। इसके ऊपर में हम कभी और एक वीडियो बनाएंगे इसी स्लाइड के ऊपर में, लेकिन आज जो मैं जिक्र कर रहा था वो ये कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये 12 से 18 साल तक के होता है, और इंटीमसी वर्सेस आइसोलेशन ये 18 से 40 में होता है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। तो अगर आपने आइडेंटिटी फॉर्म नहीं किया मित्रों, तो आपको रोल का कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको ये पता नहीं होता कि आपको क्या रोल प्ले करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब तक करना है। तो क्योंकि आपकी इमेज, आपकी पहचान आपके मन में ही क्लियर नहीं होती, तो लोगों के लिए क्या क्लियर होगी। तो
तो लाइफ जो जीते हो आप, पूरी लाइफ जियोगे 70-80 साल तक के, तो आप बड़े कंफ्यूजन में रहोगे कि आपको क्या करने का है। ये अगर मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि मैंने क्या करना है, तो आपको आपकी आइडेंटिटी फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है 12 से 18 साल की उम्र में। नहीं अगर किया तो फिर बाद में कभी 40-50 साल में भी गए होंगे आप, या अभी होंगे, तब भी आप अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करिएगा पहले। और तो मैंने बता ही दिया कि किस तरह से आइडेंटिटी को फॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो एरिक एरिक्सन के बाद में आए थे जेम्स मर्सिया, उन्होंने आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा और प्रकाश डाला। वो क्या कहते हैं कि उन्होंने चार चीजें लिखी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में। पहली बात वो कहते हैं कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन होता है, मतलब आप ऐसे लोगों के साथ में मिल रहे हो, उन लोगों को मिल रहे हो जिनको उनकी आइडेंटिटी डिफ्यूज लगती है, मतलब धुंधली सी लगती है, उन्हें पता नहीं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कम एक्सप्लोर करते हैं, वो ढूंढते कम है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये नहीं ढूंढते वो, और वो कमिटेड भी नहीं रहते अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए, इसीलिए उनकी आइडेंटिटी डिफ्यूज रहती है, धुंधली सी रहती है। आमतौर पे आप देखेंगे आज के जमाने में जो सारे एवरेज या बिलो एवरेज रहने वाली जनता है या पॉपुलेशन है, वो सारे आइडेंटिटी डिफ्यूजन में या डिफ्यूज आइडेंटिटी में रहती है। मैं आप लोगों के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि आप जरा देखेंगे कि अब तक के यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, या बाहर के कंट्रीज में, जहां जिनको हम कहते हैं कि वो डेवलप कंट्रीज है, वहां पर भी आइडेंटिटी डिफ्यूज हो गई है लोगों की मेजॉरिटी में। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी एग्जैक्टली अचीवमेंट में गई है, मतलब कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो गई है, और ऐसे लोग वहां पर जो है वो बहुत हाईली एक्सप्लोर करते हैं अपने आइडेंटिटी के लिए, फील्ड बहुत एक्सप्लोर करते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, और वो हाईली कमिटेड रहते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी अचीवमेंट में बदल जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ साल पहले 2014 के आसपास में नरेंद्र मोदी सर को जंगल के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में कुछ बातें बताने के लिए एक फॉरेस्ट के अमेरिकन व्यक्ति आए थे। वो फॉरेस्ट में जाते थे, या फॉरेस्ट के एक्सपर्ट थे वो, तो उन्होंने बहुत सी चीजें उनके लाइफ में एक्सप्लोर की थी, मतलब जंगल के एनिमल्स को लेके, जंगल के प्लांट्स को लेके, जंगल के बायोग्राफी को लेकर के, और वो हाईली कमिटेड थे अपने जंगल के काम को लेके। तो वो इतने अचीवमेंट में है कि उन्हें गवर्नमेंट ने बुलाया, और मोदी सर की उनके साथ में 2 दिन की मुलाकात हुई थी जंगल में, वो दोनों ने भ्रमण किया था। तो ये है, हालांकि वो कोई इंजीनियर नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो कोई वकील नहीं है अमेरिका के, उन्होंने जंगल में घूमते घूमते अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर किया। जैसे कि मेरे एक मित्र है, वो बर्ड को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, तो वो बर्ड वॉचर है, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बर्ड वॉचर के हिसाब से बहुत एक्सप्लोर करके, बहुत कमिटेड रह के एस्टैब्लिश किया। लेकिन मेजॉरिटी में लोग आप देखेंगे आज के जमाने में, और यूरोपियन कंट्रीज में भी है, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते और कमिटेड भी नहीं रहते, इसलिए उनकी आइडेंटिटी डिफ्यूज रहती है। तो मेरा ये अपील है मित्रों, आप सब लोगों को, कि अपने आइडेंटिटी को डिफ्यूज ना रखो, ना रखो। क्यों रखोगे आप अपने आइडेंटिटी को डिफ्यूज? उसके कारण आपके पास की पॉजिटिविटी कम हो जाती है, आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो। सेकंड स्टेज जेम्स मर्सिया कहते हैं आइडेंटिटी फोर क्लोजर, मतलब आपने आइडेंटिटी को अचीव करने के पहले ही क्लोज कर दिया। ऐसे में ये क्यों होता है? क्योंकि लो एक्सप्लोर कर रहे हो आप और हाईली कमिटेड रहते हो, आपको ये लगता है कि नहीं आप डॉक्टर बनना चाहिए उदाहरण के तौर पे, और आप एक्सप्लोर ही नहीं करते। जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी चाहिए, जो किताबें पढ़नी चाहिए, वो आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन कमिटेड बहुत हो कि आप डॉक्टर बने, तो आपको अपयश आएगा। अगर अपयश आएगा तो आपकी आइडेंटिटी इमीडिएटली फोर क्लोज हो जाएगी, जल्दी क्लोज हो जाएगी, मतलब आपकी आइडेंटिटी सीमित हो जाएगी, आप आगे जाकर के अपने आइडेंटिटी को अचीवमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। थर्ड स्टेज जेम्स मर्सिया कहते हैं मोरेटोरियम, इसमें हाई एक्सप्लोर करते हैं लोग और लो कमिटेड रहते हैं, मतलब वो लोग बहुत ढूंढते हैं कि उनको क्या बनना है। उदाहरण के तौर पे एक यूथ से मेरी बात हो रही थी, उनकी उम्र 30-32 साल की है, उन्होंने फिजिक्स में पोजिशन किया है, और वो बहुत हाई एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो पीएचडी करे, या चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जॉब में जाए, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे, तो बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं वो, लेकिन वो कमिटेड बहुत नहीं है। मतलब जब वो सोचते हैं कि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, मतलब आईएएस की पढ़ाई करेंगे, तो आईएएस की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा झोंक, खुद को झोंक कर करके, दिन रात मेहनत करके नहीं कर रहे आईएएस की पढ़ाई, तो वो डेफिनेटली अचीवमेंट में नहीं जाएंगे।
वो फिजिक्स में उनको चाहिए पीएचडी, तो पीएचडी चाहने होने के लिए उनको नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी या जो भी पीजी एग्जाम्स होती है इंडिया में पीएचडी के लिए वो एग्जाम देनी होंगी। उसके लिए वो सोचते बहुत है, ढूंढ रहा उन्होंने बहुत, लेकिन कमिटेड नहीं है। अगर कमिटेड नहीं है तो वो पास नहीं कर पाएंगे, स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उनका नंबर नहीं लगेगा। ऐसे समय में उनका आइडेंटिटी फॉर्मेशन को जेम्स मर्सिया कहते हैं, ये मोरेटोरियम हो गया। तो मित्रों ये सारे तीन स्टेजेस को आपको अवॉइड करने की जरूरत है, और अचीवमेंट में जाने के लिए अगर आपको अपने अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करनी है और अचीवमेंट लेना है, सक्सेसफुल अगर जिंदगी में होना है, तो बहुत एक्सप्लोर करिए, बहुत चीजों को ढूंढिए, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सब ढूंढते रहिएगा, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करिएगा, और हाईली कमिटेड रहिए, कंटिन्यूअसली कमिटेड रहिएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप डेफिनेटली अचीवमेंट में जाएंगे दोस्तों। ठीक है सुशील सर, मुझको लगता है कि ये मैं स्लाइड बंद कर देता हूँ अभी। हमने आपको आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए ये अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन के कहने से और अकॉर्डिंग टू जेम्स मर्सिया के कहने से भी बात बता दी है, और मुझको लगता है ये ऐसा, शायद आपको भी लगता होगा। आप बताइए कि इससे हमारा जो उद्देश्य था सुनने वालों तक ये पहुंचाना कि अपने आइडेंटिटी को फॉर्म करिएगा, उसके लिए एक्सप्लोर करिए और हाईली कमिटेड रहिएगा। अगर आप कमिटेड है तो आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, और अगर आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी तो आप अचीवमेंट में, सक्सेस में जाओगे। तो सक्सेस में जाने का पहली पायरी आइडेंटिटी फॉर्म करना है। तो मुझको लगता है कि बात सब तक पहुंची होगी और आप लोगों को लाभ भी होगा। क्या कहते हो सुशील सर? यस सर, आपने जो जानकारी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और हमारे ऑडियंस को इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधव। थैंक यू थैंक यू सो मच।